ये देखें जी, गिलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ट्रक उसके आगे क्रॉस लगी हुई है, ये टोटल फेल हो गया है जी, रुक गया है, कोई बर्फ ये साफ नहीं कर सक रहा, खत्म इसका ऑपरेशन खत्म। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ये स्नो डेप्थ देखें जी, तकरीबन 40 इंच यहाँ पे ये बर्फ हुई है जी, आप देख सकते हैं। ये जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं संगल गली से आगे, जो गुज़िश्ता रात यहाँ पे गाड़ियाँ फंस गई थी और उनके लिए रेस्क्यू 112 यहाँ पे केपीके में ऑपरेशन के लिए आई थी, और इस वक्त भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त एक्सियन हाईवे, एसडीओ हाईवे और मैं पीआरओ हाईवे यहाँ पे मौजूद हैं, कमरान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, रेस्क्यू 112 के इंचार्ज। और ये देखें स्नो डेप्थ देखें जो हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे 4 फुट से ज्यादा यहाँ पे बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अच्छा ठीक है अपना, हमें रात जब पता चला कि केपीके में गिलियात की तरफ ट्रैफिक ब्लॉक होगी स्नोफॉल की वजह से और गाड़ियां फंस गई, तो चूंकि हम इंटर प्रोविंस आ नहीं सकते तो हमने पंजाब प्रोविंस से फिर केपीके प्रोविंस में आने की इजाजत मांगी, और इसमें हम अपने जनाब चीफ इंजीनियर पंजाब नॉर्थ जनाब शफकत अली भुट्टो साहब का बहुत शुक्रगुजार है कि चीफ साहब ने हमें इजाजत दे दी और फिर फौरी तौर पर हम मशीनें लेकर यहां पर पहुंचे हैं। और इस वक्त रेस्क्यू 112 मरी के जो ऑफिसर इंचार्ज है वो हमारे साथ हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग भी साथ हैं और हम इंशाल्लाह इन सब स्क्वाड्स को साथ लेकर चलेंगे। तो हम चीफ इंजीनियर साहब का एक बार दोबारा शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने सब लोगों के लिए रेस्क्यू की हमें इजाजत दी और हम यहां तक आए। कोरा पूरा